जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं, वो कुछ और ही होगा, कलमकार नहीं। क्योंकि भूचालों की मां सहम के छप्पर उठा रहा था शेर, अल्लाह तेरी ताकत देखी, अब तू मेरी हिम्मत देख। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? आज फिर एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके मैं आपके पास आ गया हूं बच्चों। आज का सेशन फिर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने चल रहा है और आपको ऐसा ट्रिक सिखाएंगे कि विद इन सेकेंड में ही आप क्वेश्चन के आंसर को बता देंगे। और आप देख ही रहे हैं आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का आपको एक सुपर ट्रिक सिखाने चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं आपके ITJEE नीट एडवांस के एग्जाम में, और बॉन्ड ऑर्डर निकालना अगर आप सीख गए तो बहुत सारे सवालों के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। जैसे अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए तो सबसे ज्यादा तो सवाल यही आता है बॉन्ड ऑर्डर बताइए, उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए तो आप बॉन्ड एनर्जी निकालना सीख जाओगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना सीख जाओगे, बॉन्ड लेंथ निकालना सीख जाओगे, कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखना सीख जाओगे। ए लॉट ऑफ क्वेश्चन इज हियर, बहुत सारे सवालों के जवाब आपके आंसर आ जाएंगे तुरंत। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, क्या ट्रिक होता है, मैं आज बॉन्ड ऑर्डर का सारा खेल खत्म कर दूंगा। आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर से कभी भी गलत नहीं होगा। बच्चों अगर इसके पहले के वीडियोस आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में सर्च करिए केमिस्ट्री बाय पीसी सर, उन वीडियोस को देखिए, एक अच्छा रिकॉर्ड बनाइए ताकि आपका सिलेक्शन पहले ही अटेम्प्ट में हो पाए। बच्चों वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप ना किया करिए, अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो जाएंगे, जिससे एग्जाम में धोखा हो जाएगा, आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। आइए स्टार्ट करते हैं, मैं पीसी सर आपको सिखाने चल रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। आइए बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कोई आपको मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिखाने नहीं चल रहा हूं, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं बताऊंगा, मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर को निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, अब बच्चों ये हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये है उनके रेस्पेक्टिव बॉन्ड ऑर्डर्स। बस आपको ट्रिक याद रखना है, इसके बाद तो सटासट आंसर विद इन सेकेंड में। हमने 14 को एक बेस पॉइंट मान लिया कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। ठीक, अब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़िए 0.5 कम करते चलिए, ट्रिक को समझो, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़िए 0.5 कम करते चलो, ठीक, और जैसे जैसे आप नीचे बढ़ो फिर 0.5 कम करते चलो, बॉन्ड ऑर्डर अपने आप आता चला जाएगा। राइट, ठीक, 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 13 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, 12 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, लाइक दैट। उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे 14 से 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक, अगर आपको ये ट्रिक बस एक बार दिमाग में सेट कर लिया, इसके बाद तो कभी कोई समस्या आनी ही नहीं है। डायरेक्ट मॉलिक्यूल देखेंगे हम, डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे कि इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक, आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है, O2 डबल माइनस है,
लाइक दैट. और भी मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, N2 है, N2 प्लस है, N2 माइनस है, लाइक. तो आइए, बस अब आपको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर है. केवल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कि मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है. बताओ, ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन. तो ये O2 है, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, तो 16 इलेक्ट्रॉन. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 16. अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो देखो 16 इलेक्ट्रॉन पे बाउंड ऑर्डर कितना है? 2. आंसर आ गया. O2 का बाउंड ऑर्डर 2. O2 प्लस 16, 16 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 15 इलेक्ट्रॉन. 15 इलेक्ट्रॉन पे बाउंड ऑर्डर देखो, 15 इलेक्ट्रॉन पे बाउंड ऑर्डर 2.5. आंसर आ गया 2.5. आंसर आ गया. O2 डबल, O2 सिंगल माइनस, यानी 16 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 17 इलेक्ट्रॉन. माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 17 इलेक्ट्रॉन. 17 पर बाउंड ऑर्डर 1.5. कितना है? 1.5. लीजिए, बाउंड ऑर्डर आ गया. 16 इलेक्ट्रॉन और दो और आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. 18 पर बाउंड ऑर्डर कितना है? 1, ठीक है. बाउंड ऑर्डर कितना आ गया? 1. O2 डबल माइनस का बाउंड ऑर्डर कितना है? 1 है. आइए N2, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, दो नाइट्रोजन है 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पर बाउंड ऑर्डर 3. आंसर बिल्कुल जादुई ट्रिक है. N2 प्लस 14, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 13 इलेक्ट्रॉन हो गया, 13 हो गया तो बाउंड ऑर्डर 2.5. बाउंड ऑर्डर कितना होगा बच्चों? 2.5. आइए N2 माइनस 14, एक आ गया 15, 15 पर बाउंड ऑर्डर 2.5. लीजिए, फिर 2.5 बाउंड ऑर्डर आ गया. किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप तुरंत दे सकते हैं. जैसे और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है. और मॉलिक्यूल हम ले ले रहे हैं. लीजिए, और भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स. अब आप चाहे जितने क्वेश्चंस लगाइए, आपको ट्रिक बता दिया, चाहे जितना क्वेश्चन सॉल्व करिए. आइए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं. कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल जोड़ दीजिए भाई, ऐड कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो कितना हो गया? 14. अगर 14 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3. तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चों? 3. आइए, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 13 हो गया, 13 पर बॉन्ड ऑर्डर 2.5. आंसर आ गया 2.5. इधर आइए, CN माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 6 और 7, 13, 1, 14, ठीक है. अगर 14 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3. बस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा. NO 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक चला गया, प्लस है ना, ठीक है, तो 14, 14, 14 पर बॉन्ड ऑर्डर 3. तो NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है. इधर आइए, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया, देख लीजिए, ठीक, तो कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया. समझिएगा, Be2 है,
एक बेरिलियम का कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 का 8 इलेक्ट्रॉन, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बच्चों? 0। आंसर आ गया, लीजिए कितना होगा? 0। देख लीजिए, बस एक एक्सेप्शन है, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अगर CO प्लस का पूछ दे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है, लीजिए ये एक्सेप्शन है, इसको आप याद रखेंगे। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3.5। आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आप निकालिए फटाफट। अभी आपको मैं एक ट्रिक और सिखाऊंगा, आप उस ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आंसर यही आएगा। ट्रिक दूसरा है, चाहे आपका मन के इससे सॉल्व करो, आपका मन के उससे सॉल्व करो, लेकिन अगर ये ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इससे आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। खैर, आंसर उससे भी करेक्ट आएगा, ठीक है, आपको दिखाते हैं, बनाइए। आइए बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक ट्रिक आपको और बता रहे हैं। बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है वही कहलाता है उसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। देखना, एक फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। खैर, फार्मूला तो कोई बहुत अच्छा फार्मूला ये है नहीं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लीजिए यह है आपका फार्मूला। बहुत अच्छा फार्मूला नहीं है ये, क्वेश्चन को लेंदी करता है, लेकिन फिर भी आपको सिखा दे रहे हैं। बस एक ट्रिक याद रखना आप, ये क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ट्रिक याद रखना, बाबा ट्रिक है, बाबा और बाबाओं की स्थिति तो आप हिंदुस्तान में देख ही रहे हैं। बाबा की 3 बीबी, एक बीबी से तो काम बाबाओं का चलता नहीं, ठीक है। आइए, बाबा की 3 बीबी और तीनों आलीशान, तीनों आलीशान, ठीक है। आइए, तो आप ट्रिक याद रखेंगे, बाबा की 3 बीबी, 3 बीबी और तीनों आलीशान, आलीशान आलीशान आलीशान, ठीक है। ये ट्रिक है, ठीक है, किसी को अपने दिल के ऊपर नहीं लेना है, ठीक। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं, ठीक। आइए, बाबा की 3 बीबी और तीनों आलीशान, राइट। देखना ये है क्या, कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। आइए, अब इलेक्ट्रॉनों को फिल कैसे करेंगे जरा समझना। चलो भाई लिख देते हैं, भूल जाते हो तुम लोग। ये क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब देखना, इससे भी आप क्वेश्चन को डायरेक्ट लगा लेंगे, इससे भी बड़ा अच्छा आंसर आपका आ जाएगा। खैर, आपका आंसर तो पहले ट्रिक से आ जाता, ये तो मैं आपको खमखा सिखा दे रहा हूं ताकि आपको जानकारी हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, N2 है मान लो, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉन है तो आप इनको फिलअप करो, ठीक है, आप इनको फिलअप करो, ट्रिक लिख लो। बाबा की 3 बीबी, तीनों आलीशान,
ठीक है। अब आपको पता है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात को हमेशा याद रखिएगा, दो से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, तो 14 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करिए, दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, दो चार छ आठ, दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, काउंट कर लीजिए, दो चार छ आठ दस बारह चौदह, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन फिलअप पूरा हो जाएगा वहीं पर हम रुक जाएंगे। ठीक, अब इसमें से आप देख लो कितने बॉन्डिंग हैं, बॉन्डिंग 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 बॉन्डिंग, यानी दो चार छ आठ दस, दस, ठीक है। फार्मूला लगाओ, माइनस, बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग देखो दो चार, बस और तो कोई है नहीं, तो 4, बस सॉल्व कर दो तो ये कितना हो गया, 1/2 × 6, ये हो गया कितना आ गया, 3 लीजिए। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3, ट्रिक से भी तो 3 आया था, याद करिए, ट्रिक से भी तो 3 आया था। तो चाहे आप इससे कैलकुलेट करो, चाहे उससे कैलकुलेट करो, चाहे ये ट्रिक याद कर लो, ठीक है, पहले वाले से करो ज्यादा बेटर है, बाकी आपकी इच्छा। जैसे सपोज करिए, और एक आध ले लेते हैं आपके लिए, जगह तो कम है, हमने O2 को ले लिया, ठीक है। आप किसी भी डायटॉमिक के लिए आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे होमो हो चाहे हेट्रो। O2 है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो फिलअप कर दो, 14 तक तो फिलअप किए ही हो, 14 लियो, देख लो, दो चार छ आठ दस बारह चौदह दो 16। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लो, दो चार छ आठ दस, दस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग, दो चार छ लीजिए, 1/2 × 4, आंसर कितना आ गया, 2। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है, देख लो, पहले वाले ट्रिक से भी तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 ही आ रहा था, इससे भी 2 आ रहा है। तो कहने का मतलब आप चाहे इससे सॉल्व करो चाहे उससे सॉल्व करो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ट्रिक याद रखना है, बाबा की 3 बीबी तीनों आलीशान, ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, फार्मूला लगाओ, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब सपोज करिए कल उसने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि Li+1 का निकालना है आपको बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तो लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, 3, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है, बस ट्रिक लगा दो, बॉन्डिंग यानी 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0/2 1/2, ठीक है, तो कितना आ गया, 1 लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर आ गया, निकल गया। सपोज करिए कि कल की तारीख में उसने आपसे पूछ लिया कि H2 plus और H2- का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए,
कुछ नहीं, बाबा की तीन बीवी तीनों वाली शान लगा दो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक चला गया एक इलेक्ट्रॉन, एक और आ गया तीन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन ही निकाल लो, दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक चला गया, दो इलेक्ट्रॉन एक आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन? तीन इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू माइनस, एंटी बॉन्डिंग जीरो बाई टू, कितना आ गया? वन, एच टू का बॉन्ड ऑर्डर वन आ गया। आइए इसका निकालते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही है माइनस, एंटी बॉन्डिंग जीरो अपॉन टू, तो कितना आ गया बच्चों? 0.5 आंसर आ गया। कितना आ गया? 0.5। एच टू माइनस का निकाल लो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वन, तीन है तो अपॉन टू, तो ये फिर कितना आंसर आ गया? ठीक है, फिर से इसका भी आ गया 0.5। ठीक, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। अब आप कहोगे सर, अब दो का तो बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा स्टेबल है? पता चलेगा बच्चों, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम किसमें है? इसमें है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल है H2, उसके बाद स्टेबल है H2+, और सबसे कम स्टेबल है H2-। लीजिए आंसर आ गया, ये क्या है? स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम रहे। ठीक है, लीजिए आप ट्रिक लगाओ, डायरेक्ट आंसर पाओ। ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, चाहे ITJEE का हो, नीट का हो, एडवांस का हो। अगर आप ट्रिक एक बार सीख गए तो किसी भी क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड में निकाल के दे दोगे। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं, अन्यथा तो डायरेक्ट देख के ही बता देते, इतना आएगा। देख लीजिए बच्चों, मान लीजिए अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना हो तो बस कुछ नहीं करना, उसके लिए भी एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, इसका भी खेल खत्म। अगर पॉली एटॉमिक के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो ट्रिक याद रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस चार्ज अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। लीजिए इस ट्रिक को अप्लाई करिए, डायरेक्ट आंसर ले लीजिए। आज के बाद आपका बॉन्ड ऑर्डर संबंधित कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग नहीं रह पाएगा, सारे क्वेश्चन के जवाब आपके पास होंगे। ये ट्रिक है, राइट? बस ट्रिक को लगाओ और आंसर पाओ। सारे ट्रिक आपको सिखा दे रहे हैं, ये ट्रिक आपको लगाना है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। सर जैसे कोई एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बोनेट आयन है, उन्होंने कह दिया इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो 2 × नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 3 माइनस चार्ज कितना है? 2 अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3। लीजिए बस इसको सॉल्व कर दो, 6 − 2 यानी आंसर क्या आ गया? 4/3। तो कार्बोनेट आयन का आंसर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 4/3। मान लीजिए कल आपसे वो कह देते सल्फेट का निकालिए, तो बस निकाल देंगे 2 × नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 − 2 अपॉन ऑक्सीजन 4। लीजिए तो 8 − 2 कितना हो गया बच्चों? 6/4। अगर फ्रैक्शन में चाहते हैं तो आप फ्रैक्शन में आंसर ले सकते हैं। देख लीजिए, जैसे
अगर क्लोरेट आयन का निकालने बोल दिया तो आप निकाल सकते हैं। ट्रिक लगाओ, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 माइनस 1 अपॉन 4, सॉल्व कर दो, 8 माइनस 1 ठीक है 7/4, दैट इज द आंसर। आ गया आपका आंसर। मान लीजिए उन्होंने कह दिया नाइट्रेट का निकालिए, आप किसी का भी निकालो, चाहे जितने क्वेश्चन सॉल्व करो आईटीजेई नीट एडवांस के, मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया ठीक है। नाइट्रेट का निकालना है तो 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 माइनस चार्ज 1 अपॉन 3, तो 6 माइनस 1 ठीक है कितना आ गया 5/3। लीजिए किसी भी पॉलीएटॉमिक, अब आप चाहे जिसका निकालो, क्लोरेट का निकालो ठीक है, बोरेट का निकालो, किसी का भी निकालो, आपको ट्रिक आपके सामने है 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस चार्ज अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अप्लाई करो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब तुरंत दे देंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया तो कहते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। लीजिए अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने आ गया तो सब निकालने आ गया आपको, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने आ गया तो। हमारे पास है O2 प्लस सिंगल माइनस O2 डबल माइनस। लीजिए बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको निकालने आ गया तो आप सब निकाल सकते हो, आपके बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया था। 16 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा ठीक है, एक चला गया 5 हो गया ठीक है, यानी 15 हो गया, यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, यानी लीजिए दैट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। लीजिए सारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। और अगर आपने यही रिवर्स कर दिया दैट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ आ गया, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी निकालिए आप। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने आ गया तो आप सटासट सब खेल खत्म। मान लीजिए कल की तारीख में उन्होंने आपसे पूछ दिया कि N2 है, N2 प्लस है, N2 माइनस है, इनकी बॉन्ड एनर्जी बताइए, तो आप जान ही रहे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा, इसका 2.5 आएगा, इसका भी 2.5 आएगा, यानी सबसे ज्यादा ये फिर दोनों का बराबर आ रहा है, 3 दोनों का सेम आएगा। लीजिए अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड एनर्जी भी लगभग लगभग क्या हो जाएंगे, सेम आएगी। तो बच्चों आज के लेक्चर में आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को सीखा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक आपने सीखा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखा जाता है, पॉलीएटॉमिक के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद उसका एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं।
आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे जो अच्छी परिस्थिति न होने की वजह से गरीबी के अभाव में बड़ी बड़ी कोचिंग का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ताकि उन बच्चों का भी ITJEE में, नीट में, एडवांस में सिलेक्शन हो पाए, उनका भी कैरियर बन पाए, उनका भी फ्यूचर बन पाए। तो थैंक यू, धन्यवाद।